नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज हमारे साथ बनारस के मिश्रा जी हैं। अभी कहते हैं कि मोदी मतलब सब कुछ, मोदी जी मतलब देश है, मोदी जी मतलब मोदी जी सबसे होनहार प्रधानमंत्री हैं, बाकी किसी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, यही ना? अभी मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, भारत के सफलतम प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे सफलतम हो सकते हैं? मैं नरसिम्हा राव को सलूट करता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने सफलतम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, मोदी जी भारत के दूसरे सफलतम प्रधानमंत्री है। दूसरे सफलतम प्रधानमंत्री? एक चीज बताइए कि पुलवामा अटैक हुआ, प्रधानमंत्री जी डिस्कवरी पर सेल्फी ले रहे थे, अभी परसों कश्मीर में 3 शहीद हुए और प्रधानमंत्री जी अपना जश्न मना रहे थे, ये ठीक है? सेना जरूरी है या जश्न जरूरी है? जब चरारे शरीफ हुआ था, तेज बोले था, जब चरारे शरीफ हुआ था कश्मीर में, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को एक चू नहीं रेंगी। जब हजरत बल दरगाह जलाई गई, आतंकवादियों को सेफ पैसेज दिया गया, तो किसी ने चू नहीं कसा। आज का देखो चाचा, आज का देखो, आज जो हो रहा है उस पे बात कीजिए, आज की बात कीजिए। काश्मीर, अगर मणिपुर में 2000 आदमी 1994 मारे गए तो सब कुछ ठीक था, और आज अगर 200 आदमी मारे गए तो आपकी देखिए, अभी अभी चाचा ने बताया कि दूसरे सफलतम प्रधानमंत्री हैं। अगर ये सफलतम प्रधानमंत्री हैं तो क्यों हो रहा है भैया? महिलाओं को मणिपुर की आपने चाचा बात की, याद दिला दिया कि महिलाओं को नग्न वस्त्र करके घुमाया गया, और वहाँ की सरकार, वहाँ की झूठी और निकम्मी सरकार आज तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? 18 जनवरी 1990 हजारों कश्मीरी पंडित मारे गए, हजारों औरतों का रेप हुआ, एक भी FIR नहीं हुई, एक आदमी जेल नहीं गया, FIR नहीं हुई, एक भी FIR नहीं हुई। कश्मीरी पंडितों का इतना बड़ा दुनिया में नरसंहार हुआ, एक भी FIR नहीं हुई, एक आदमी का प्रोस्टिट्यूशन नहीं हुआ, एक आदमी जेल नहीं गया। देखिए, ज्ञान लोग बांट रहे हैं, सुनिए, ज्ञान हम नहीं बांट रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी चाचा ने बताया कि FIR नहीं हुआ। आज आप सत्ता में हो ना, आज आप सत्ता में बैठे हो, कुर्सी छका के बैठे हो, हैं? अब आपने कहा 370 हमने हटाया है, अगर 370 सही रूप से हटके जो वहाँ से कश्मीरी पंडित निकाले गए थे, तो आप उनका पुनर्वास करवाइए ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं मोदी जी? बाजी करने से काम थोड़ी चलता है। 370 अभी समाप्त हुआ है, अभी कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन में काफी समय है, समय लगेगा। अरे कश्मीर में तो फिर निकम्मा हुआ या सफल रीजन? सफल हुआ प्रधानमंत्री जी, आपने बताया कि दूसरे सफल प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने काम को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं तो सफल हुआ या निकम्मा हुआ? चाचा, सफल है निकम्मा? एक प्रधानमंत्री खुलेआम ऑन कैमरा बोलता है कि देश के संसाधनों को पहला अधिकार अल्पसंख्यक होता है। अच्छा, एक चीज बताइए चाचा, प्रधानमंत्री एक चीज बताइए, आपके दो लड़का है, ठीक, एक लड़का अगर कमजोर है तो आप कहोगे ये हमारा लड़के को हम मजबूत बनाएंगे, कहोगे या नहीं कहोगे? ठीक है, कश्मीर में अब 370 की बात की है, कश्मीर में धारा 370 हट गई है, एक सेकंड, कोई भी भारतीय कश्मीर। अच्छा चाचा, भैया चाचा, जब से 370 हटा है आप कितनी बार कश्मीर घूम के आए? मैं नहीं गया कश्मीर। ये नहीं गए हैं, वो वहाँ पे सब चंगा है क्योंकि मोदी मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, ये ना? नहीं, अरे टीवी चीजें सुधरी है चाचा, टीवी देखते हो नहीं देखते हो? भगवान की दया से कभी कभी देख लेते हैं। टीवी पे सच्चाई दिखाई जाती है आपको लगता है? बिल्कुल दिखाई जाती है। अच्छा, अभी 14 एंकरों का बहिष्कार किया गया है कि दलाली करते हैं, हम इनको इंटरव्यू नहीं करेंगे। इंडिया अलायंस जो है, जो गठबंधन है, उन्होंने कह दिया है कि हम इंडिया अलायंस वाले लोग एंकरों को इंटरव्यू नहीं देंगे, जैसे सुधीर चौधरी है और चित्रा त्रिपाठी, कई चैनलों का बहिष्कार किया। उसका भी जवाब देता हूँ, घोटाला सुना है कि नहीं सुना है? मुझे घोटाला सुना है। चाचा, आपने चावल घोटाला तो सुना होगा, सैनिटाइजर घोटाला भी सुना होगा, मास्क घोटाला सुना होगा, राम मंदिर घोटाला भी सुना होगा, ये नहीं सुनेंगे क्योंकि टीवी देखते हैं। जिस दिन चाचा आप सोशल मीडिया देखना शुरू करोगे ना, जो सोशल मीडिया है सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया ही अल्पसंख्यक मीडिया है, सोशल मीडिया ही सवर्ण मीडिया है। 2G में 1,76,000 करोड़ रुपए का अकॉर्डिंग टू कैग इंडिया चूना लगाया गया भारतीय खजाने को। अच्छा, G20 में भी कितने का घोटाला हुआ? निष्पक्ष जांच होगी ना, मोदी जी की हेकड़े निकल जाएगी, करा लीजिए जांच होगी, बिल्कुल होगी। भारत की किस एजेंसी ने कहा कि घोटाला हुआ? हम एक बात बताइए कि वहाँ पे 990 करोड़ रुपए का बजट था और 4100 करोड़ रुपए मोदी जी ने खर्च कर दिया। 4200 करोड़ खर्च चचा दे रहे हैं, चचा दे रहे हैं,
चाचा दे रहे हैं, कोई एजेंसी बोल दे है? अरे चाचार किया, मैं क्या कह रहा हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा भैया, जिस दिन सरकार से जाओ घोटाले की बात नहीं करना चाहते हम, क्या कह रहे हैं आज के घोटाले की बात करो, घोटाले की बात हो गई है, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि गलत करने वाला गलत है, चाहे एक रुपए का घोटाला करे या एक करोड़ रुपए का घोटाला करे, राजीव गांधी चाचा नहीं सभी पत्र वाला पद मिलेगा, सभी पत्र वाला पद मिलेगा, संघवी बड़े अच्छे लगते हैं, संविधान से चलेगा, बीबी बाबा से चलेगा, वो तो आप लोग चला रहे थे अभी तक, बीबी बाबा से हमने कभी चला, हम चला रहे थे वीर संघ भैया, हम कभी प्रधानमंत्री बने हैं, चाचा मुख्यमंत्री थे, सुने हैं दादा है, वीर संघ दादा है, नहीं सुने हैं दादा है हमारे, हम चला रहे हैं देश, हम चला रहे हैं, आपने किस आधार पे कह दिया हमने देश चलाया, चाचा है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वही चाहिए, इनको वीर संघवी चाहिए, इनको बरकत चाहिए, ठीक है, भ्रष्ट मतलब पत्रकार चाहिए जो आसान क्वेश्चंस पूछे, ठीक है उनका जवाब दे, भैया आसान क्वेश्चन, इन्होंने कहा आसान, सुधीर चौधरी कौन सा प्रश्न पूछता है, कठिन प्रश्न पूछता है किसे, मोदी जी से, मोदी जी से, अरे इन लोगों से, एक चीज बताइए चाचा, मोदी जी ने कभी रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया है, अमित शाह ने दिया, अमित शाह का जो पहली बार रवीश ने जो है पहला कवरिंग किया था अगर भारत में किसी राजनेता का, तो अमित शाह किया था, ये बात आप जानते हैं, तो हैकड़ी कहे निकल गई, दोबारा कहे कि इसी ने नहीं दिया, अभिषार शर्मा को मोदी जी ने कभी इंटरव्यू दिया है, साक्षी जोशी को कभी दिया है, अभिषार शर्मा के सैकड़ों शो चलते थे, सैकड़ों शो नहीं, एबीपी न्यूज उन्होंने जब 15-16 में छोड़ा, क्यों छोड़ा आपको पता है, आप सबके डालेंगे मुंह में, पता नहीं क्यों छोड़ा, मुझे तो नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, आप माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चाचा भी हैं, वाराणसी से वो सांसद भी हैं, लखनऊ में गए थे, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हैं? और सुल्तानपुर में एक होटल मैनेजर को गोली मार दी जाती है उसी रात को, और अभिषार शर्मा वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने इतना ही बोला था सिर्फ कि कानून व्यवस्था कैसी है, और उनको 15 दिन की छुट्टी दे दी गई, उन्होंने चैनल है एबीपी न्यूज, मोदी जी के हाथों में खेल रहा है, मोदी जी के हाथों में खेल रहा है भैया, आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, अडानी जी से पूछो, अडानी जी किसके हाथों में खेल रहा है, खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो, अडानी को पैदा किसने किया है, अडानी को पैदा किसने किया, मोदी जी ने तो नहीं किया है, हाँ। लेकिन मोदी के इशारों पे काहे काम करता है, वाजी वाह, कांग्रेस के समय खड़ी बना था अडानी, 609 नंबर ही था, मोदी जी ने 2 नंबर ही बना दिया, 609 नंबर ही को 2 नंबर ही बना दिया, चाचा बच्चन महंगाई है या नहीं है, नहीं है महंगाई, नहीं है 400 वाला सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया, चाचा कहते हैं महंगाई नहीं है, सब्सिडी हटाई गई है, सब्सिडी हटनी चाहिए, हर चीज पर सब्सिडी हटनी चाहिए, सब्सिडी हटनी चाहिए, सब्सिडी गलत है, बिल्कुल गलत है, 1200 रुपए में सिलेंडर ठीक है, 1300 का दो, जो मार्केट प्राइस है उसका दो, और सारा ये ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग गैस है, 1200 रुपए की रसीद मिलती है, 7000 रुपए खुलेआम लिया जाता है, तो यानी आप जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है उनको आप भ्रष्ट बता रहे हो, पूरा का पूरा पेट्रोलियम मंत्रालय भ्रष्ट है, ये भैया बहुत बड़ा खुलासा चाचा ने किया है, पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है ना सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, ये हम नहीं कहते, चाचा कहते हैं वाराणसी से आते हैं, वाराणसी में मोदी जी जाते हैं तो चाचा लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, 1200 रुपए की रसीद मिलती है, 7000 रुपया लिया जाता है, भ्रष्टाचारी नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी, हम तो कहते हैं कि हरदीप सिंह पुरी मैंने मान लिया भ्रष्टाचार, मेरे यहाँ पता गैस कितने साल में मिली थी, 1984 में अप्लाई किया, केवल 16 साल में मिला, केवल 16 साल में मुझे गैस कनेक्शन मिला था, अच्छा चाचा आपको बेरोजगारी दिखती है नहीं दिखती है, बेरोजगारी है भी नहीं भी है, बेरोजगारी नहीं है, है भी नहीं भी है, नहीं आप सीएमआई की रिपोर्ट तो जानते हो ना, सीएमआई की रिपोर्ट आई कि 2014 से पहले यहाँ पे 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास में रोजगार था, और आज रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या कहता है कि 41 करोड़ से कम लोगों के पास में रोजगार है, अब बताइए मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या, वाकई में यशस्वी प्रधानमंत्री है, जब पूरा हिंदुस्तान था तो अकेले गुजरात चमक रहा था, ठीक है गुजरात चमक रहा है, किस गुजरात अकेले चमक रहा था, गुजरात गए हो कितनी बार गए हो चाचा, गए 2-4 बार गए हैं, गड्ढे में पानी था कि पानी में गड्ढा था, तो आप शब्द डाल रहे हैं, शब्द हमने डाला ही नहीं, जबरदस्ती बुलवा लेंगे, जबरदस्ती बुलवा लेंगे, मतलब बिहार बड़ा अच्छा है, हैं? बंगाल बड़ा अच्छा है, ये तो चंगा है भैया, बिहार बिहार में आप बिहार की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे भी कह दिया कि बिहार में हम वहाँ पे दरभंगा में एम्स बना रहे हैं, और भैया आज अमित शाह का बयान आ गया है, क्या कहा अमित शाह ने, कि बिहार गवर्नमेंट ने एम्स की जमीन वापस ले ली है, आज का आज बयान आया, आज बयान दिया है जी मोदी जी ने, पहले बयान दिया कि हमने एम्स बनाया है, जब तेजस्वी बाबू ने ट्वीट किया कि एक भी एम्स नहीं बना है, और आज अमित शाह में बोल रहा है, अमित शाह ने तो मोदी जी को कह दिया जुमला जी, अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी जुमला जी, मैं पूछो कैसे, उन्होंने कहा 15 लाख देंगे,
किस दिन बोला 15 मोदी जी ने कहा किस दिन अगर विदेश से मैं बता रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जेल में डाल दीजिए मोदी जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए मोदी जी ने कहा था कि अगर विदेश अरे साहब सुनिए ना अनभक्ति है सुनो चाचा मोदी जी ने कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर पूरा पैसा आ गया तो एक एक आदमी में कम से कम 15-20 लाख रुपया होगा तो मोदी जी काला धन नहीं ला पाए बाकायदा एसआईटी बनी हुई है काला धन आ गया कब से चलेगा साहब नोट कैंसिल हुई 1000 की नोट कैंसिल हुई बात इन्होंने बहुत बढ़िया कह दी जो 2000 का नोट 10 साल ना चला पाया हो देश का चलाएगा देश की जनता इससे प्रधानमंत्री को नकार देने का काम करेगी चाचा ने ये नहीं बताया कि काला धन आया कि नहीं आया अगर चाचा आप बताइए काला धन आया जातिवाद के गढ़ में उत्तर प्रदेश जो जातिवाद खत्म है भैया जाति प्रथा खत्म कर देनी चाहिए मैं कहता हूँ कि जाति प्रथा बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली क्यों आरक्षण के खिलाफ हुआ न तो हम समर्थन में न विरोध में है आरक्षण खत्म होना चाहिए क्या जब तक जाति व्यवस्था है तब तक रहेगा बहुत सही सलाम है ठीक है फिलहाल जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने जा रही है असमी से काला धन कब तक आएगा काला धन पर काम चल रहा है सारे रो काम चल रहा है सारे रो रहे हैं मोदी जी रो रहे हैं मोदी जी रुला रहे हैं मोदी जी को नींद नहीं आती रुलाएंगे तो भैया आप प्रधान जैसे लोग रो रहे हैं जो अडानी भी तो रो रहा है अडानी के साथ मोदी जी भी रो रहे हैं अरे अडानी तो कांग्रेस के एजेंट था अमिताभ बच्चन किसके समय पैदा हुआ ठीक है कांग्रेस के समय में तो चाचा आप भी पैदा हुए हैं अब इसी बात मत करिए कांग्रेस की सरकार में आप भी पैदा हुए थे ये पैदाइशी पर्सनल पे मत जाइए इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चाचा कि आप बातों से कितना सहमत है ये भी हमको बताएं धन्यवाद